हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस कैसे हैं दोस्तों आप लोग? होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज आए हुए हैं श्री राम कमर्शियल शोरूम के जितने भी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो गाइस आज आपके लेके आए हैं ऑल न्यू 2022 की रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा 350, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू 2022 वेरियंट, जो कि बहुत सारे न्यू बदलाव और न्यू चेंजेस के साथ आई है। तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं इस बाइक की फुल डिटेल रिव्यू और आपको बताने वाले हैं इसके ऑल अबाउट न्यू प्राइसिंग के बारे में। नाउ इन 2022 इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है, तो वो जो इंक्रीज़ हुआ है इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रा 350 लेने के लिए तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी जो भी डाउट्स होंगे इस बाइक को लेके वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर के बारे में। तो गाइस इसका जो ऑफिशियली नेम है वो है जेट ब्लैक कलर, और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी की पूरी गाड़ी आपको फुल ब्लैक में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल रहा है वो आपको 3D में मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कंपनी 3D में रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ प्रोवाइड कर रही है। टैंक आप देख सकते हो, तो टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 13.5 लीटर्स की। और ऑल ओवर आप इंजन देख सकते हो, इसके स्पोक रिम्स देख सकते हो जो कि आपको ब्लैक में ही देखने के लिए मिल रहा है। फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो कोई भी न्यू अपडेट आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, वही दो पैडल लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं जो कि इस तरफ हैं। आप देख सकते हो हैलोजन बल्ब सेटअप मिल जा रहा है, दो इंडिकेटर्स मिल जा रहे हैं जो कि कंपनी आपको बल्ब में प्रोवाइड कर रही है। इसके पीछे का कवर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको क्रोम में नहीं ब्लैक मतलब मैट ब्लैक में आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और फ्रंट में यहाँ पर आपको दिख जाएगा नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मडगार्ड इसका आपको मेटल में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ इसके स्पोक रिम्स जो कि आप देख सकते हो फुल ब्लैक में है, तो जिससे इसका ऑल ओवर लुक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव आ रहा है लुक देखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टर है, और इस वेरिएंट में आपको फ्रंट में कंपनी डिस्क और सिंगल चैनल ABS प्रोवाइड करती है। यस गाइस, इस वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, डिस्क मिल जाती है 280mm की, और जो व्हील साइज़ आपको मिलता है गाइस वो 90x90 का मिलता है, और स्पोक रिम्स आपको मिल जाते हैं 19 इंचेस के, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आपको डुअल पिस्टन कैलिपर्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। पीछे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा सारी गार्ड और एक सिंगल फीमेल फुटर्स देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रैबरल मिल जाएगा जो कि रिमूवेबल है, आप इसे खोल के हटावा भी सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाता है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, टेल लैम्प्स, और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है वो आपको बल्ब में ही मिल रहे हैं, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, एक रिफ्लेक्टर। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो कि आप लोग देख सकते हो 7 मई 2022 की, ये ऑल न्यू मैन्युफैक्चर्ड है। और यहाँ पर अगर बात करें इसके रियर टायर सेक्शन, तो रियर फ्रंट दोनों सेम है, 90x90 इंच के आपको स्पोक्स मिल जा रहे हैं। पीछे में कंपनी आपको ड्रम प्रोवाइड करी है 153mm का दोस्तों। बात करें इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो वो आपको मिल रहा है ट्विन शॉक अब्जॉर्बर जो कि आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंजन जो कि आपको फुल मैट में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ऑटो सेंसर और कैटकैन लगा हुआ है, और इस वेरिएंट में आपको कंपनी किक और सेल्फ दोनों प्रोवाइड करती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वेरिएंट में आपको किक और सेल्फ दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। बात कर ले इसके ऑल ओवर इंजन के बारे में गाइस, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं इसके दूसरे तरफ, आपको अच्छे से इंजन दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फुल मैट में इंजन है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है गाइस वो मिलता है 346cc का इंजन, और सिंगल सिलेंडर प्रेजेंट है, 4 स्ट्रोक है, एयर कूल्ड है ओनली, BS6 कंप्लाइंट है, मैक्सिमम PS 19.36 PS है, और मैक्सिमम टॉर्क 28 Nm जो कि आपको 4000 RPM मिलता है। यहाँ पर आप नंबर्स ऑफ गियर्स 5 देख सकते हैं जो कि ही एंड टो शिफ्ट है। यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंड और डुअल स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, डुअल स्टैंड आपको नीचे मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है बुलेट 350, जो कि आपको एक स्टिकर मिल रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी 3D में लिखा हुआ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और ऑल ओवर आप देख सकते हो बाइक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो टैंक कैपेसिटी आपको मिल रही है 13.5 लीटर्स की, और कंपनी क्लेम्स की ये बाइक आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी 40+। तो वो डिपेंड करता है राइडर के ऊपर कि वो बाइक कैसे राइड करता है। ये रही इसकी सीट गाइस, सीट आप देख सकते हो 800mm की सीट है। राइडिंग पिलियन दोनों के लिए चौड़ी सीट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आपका राइडिंग जो होगा वो आराम से होगा। और ये रहे इसके हैंडल्स, हैंडल आपको अप की तरफ मिलते हैं, कंफर्टेबल राइड मिलती है। और यहाँ पर अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में गाइस, तो इसे ओल्ड रखा गया है, मतलब आपको स्पीडोमीटर ओडोमीटर सब एनालॉग में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि इसकी पहचान है आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल रहा है पासिंग लाइट, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, हॉर्न मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको कंपनी किल स्विच और सेल्फ प्रोवाइड कर दिया है, इस वेरिएंट में आपको कंपनी किक भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट इस बाइक में आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। मिरर्स देख सकते हैं, मिरर्स की क्वालिटी आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। बात कर ले ऑल ओवर लुक्स के बारे में गाइस, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सेम अपडेट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है।
बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में गाइस। तो इस गाड़ी का लेंथ आपको मिल जाता है 2170 mm का, वाइडनेस मिल जाती है 810 mm की, हाइट मिल जाती है 1120 mm का, सीट हाइट जैसे कि मैंने आपको कही 800 mm की मिलती है, और ग्राउंड स्पेस इस बाइक का आपको मिल जाता है 135 mm का, और गाड़ी की टोटल वेट आपको मिलती है 191 kg की गाइस। बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में गाइस। तो इसका जो एक्शोरूम प्राइस है वो है 163,333 गाइस, और जो ऑन रोड प्राइस है गाइस वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो हमारी सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है 188,301 rupees ओनली। आपकी सिटी में जो भी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। सो गाइज होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।